वन, एक बार पुनः एम्स स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने मेन टॉपिक स्टार्ट करा था, तीन वीडियो मैंने बनाए जिसमें मीन में आपको मीन समझाया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि आपने को मीन बहुत अच्छे से करना है, मीन इवन आपको स्टैटिक्स पूरा बहुत अच्छे से करना है, तो आपको मीन समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ मीन के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मीन समझने के लिए आपको सीरीज समझना बहुत आवश्यक है, है ना। यदि आपको सीरीज पहचानते हुए नहीं आई ना, तो आप फार्मूले गलत पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जो हर बार देखिए आप हर सीरीज में फार्मूले अलग लग रहे हैं, है ना। तो सीरीज भी बहुत इजी है, इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें केवल एक्स गिवन होता है वैल्यू, है ना, क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ गिवन होगी। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें वैल्यू के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, और कंटिन्यूस सीरीज मतलब क्लास गिवन होती है और साथ में उसके फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला करा था, शॉर्टकट मेथड में मैंने इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन करके बताया था। नाउ टुडे आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, है ना, शॉर्टकट मेथड के थ्रू। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा मीन निकालने का, आपको क्वेश्चन रहेगा ऐसा 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी भी रहेगी 2, 1, 2, 3, 2, ठीक है। अब आपको पहचानना है सीरीज कौन सी है। तो अभी आप देखिए जिस क्वेश्चन में एक्स के साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, तो कौन सी सीरीज कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। एक्स के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन, डिस्क्रीट सीरीज। जब भी स्टूडेंट्स आप सीरीज पहचान लें, उसके बाद तुरंत आप नीचे फार्मूला लिखे मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू शॉर्टकट मेथड का फार्मूला ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड समीशन एफ। फार्मूला आपको इंडिकेट करता है कि आगे आपको करना क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने फार्मूला लिखा तो हमको समझ आया कि ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम वैल्यू फ्रॉम एक्स, यानी एक्स में से। मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि ए कैसे एज्यूम करना, सबसे छोटी वैल्यू को, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम 3 को एज्यूम करते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू मैंने 3 कर दिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे स्टूडेंट्स की, हम डी एक्स की बात करते हैं, क्योंकि एफ का मल्टीप्लाई डी एक्स में होगा, क्योंकि पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, तो ए यहाँ पर डी एक्स का कॉलम बना लो, एक्स माइनस ए, ए की जगह पर मैं 3 रख देता हूँ, है ना। तो x करना x में से माइनस, है ना, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, ये dx आ गया। लेकिन हमको किसका सम चाहिए फॉर्मूले में, समीशन f dx का, मतलब f और dx का मल्टीप्लाई। f है हमारे पास में ऑलरेडी, dx हमने निकाल लिया, तो f इंटू dx कर देते हैं, 2 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1, 1, 2 इंटू 2, 4, 3 इंटू 3, 9, 2 इंटू 4, 8, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया एफ डी एक्स का कॉलम, इसका सम कर लेते हैं, समीशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, प्लस कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 5, 5, 9, 14, 14 और 8, 22, है ना, 22, ये हमारे पास समीशन एफ डी एक्स आ गया। समीशन एफ यानी एफ कॉलम का टोटल, समीशन एफ इज इक्वल टू इसका कर लेते हैं 2, 2, 4, 5, 5, 2, 7 और 3, 10, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह में मैंने रख दिया है, ए क्या लिया था हमने, 3 लिया था, 3 प्लस समीशन एफ डी एक्स कितना है हमारे पास में स्टूडेंट्स, 22 डिवाइडेड समीशन एफ कितना है, 10, ठीक है। तो 10 से ये 2.2 हो गया, कट गया, तो ये 2.2 हो गया, यानी 3 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 5.2, और ये हमारा आंसर हुआ। देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को अपन आगे कंटिन्यू सीरीज से कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू सीरीज का भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ, कंटिन्यू सीरीज अंडर द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसा रहेगा आपको, रहेगा फाइंड द मीन, है ना, ऐसे मैं लिखने का उसमें, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और डेटा क्या गिवन होगा, क्लास गिवन होगी आपको 0, 2, एक छोटी क्लास बना लेते हैं अपन, 0, 2,
काम करते हैं इसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 ये रहेगा। फ्रिक्वेंसी इसमें कर देते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी 1, 2, इसमें भी 2 और इसमें 3 करते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी सपोज स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसको अपने को फाइंड करना, तो सबसे पहले हमने सीरीज पहचानी, जिस सीरीज में क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन हो इसका मतलब वो कंटिन्यू सीरीज है। कंटिन्यू सीरीज का फार्मूला शॉर्टकट मेथड का सेम फार्मूला है, ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड समीशन एफ, ठीक है, सेम फार्मूला। और ए का मतलब आपको पता है एज्यूम वैल्यू फ्रॉम एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स है क्या? नहीं है। तो एक्स क्या होता है? एक्स हमको निकालना, और एक्स होता है मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास, इस क्लास का मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक निकाल के बता देता हूँ मैं। इसमें मिडिल वैल्यू मतलब इस क्लास के दोनों जो भी लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करना है, यानी कि 0 + 10 / 2 करना है, तो ये 5 आ जाएगा। इसको 10 + 20 / 2 करना है, तो 30 / 2 करोगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 का डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 15 आ गया, तो ये 25 और ये 35 आ गया, ये x आ गया। अब मैंने यहाँ एज्यूम वैल्यू x की जगह पर 5 ले ली, a की जगह 5 ले लिया, तो अब हमको dx का कॉलम चाहिए, मतलब x माइनस a, a की जगह 5 लेना है, ठीक है। तो ये हमारा dx, 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 15 माइनस 5 करा तो क्या आ गया, 10, 25 माइनस 5 करा तो 20 और 30 माइनस 5 करा तो 30। अब हमको f के साथ मल्टीप्लाई f dx करना है, ये रहा f, 1 × 0 करेंगे तो 0, 2 × 10 करेंगे तो 20, 2 × 20 करेंगे तो 40, 3 × 30 करेंगे तो 90। इसका सम चाहिए f dx, इसका सम निकाल लेते हैं, 20, 40 कितना हो गया, 60 और 90 150, 150 हो गया हमारा आंसर। समीशन f आंसर नहीं है, समीशन f कितना है ये, इसका टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 2 4 1 5 5 4 3 8। बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो इसमें, कहाँ पर, इसमें है ना, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स बार ए की जगह आप क्या रखेंगे, 5 प्लस समीशन एफ डी एक्स कितना आया हमारा, 150 डिवाइडेड 8 है ना, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 1 7 बचा, 8 हुआ है ना, बचा कितना, 70 था तो 6 बचा, 660 यानी 8 7 48 56 7, और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 2 20 और 3 23, यानी 23.7 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से देखिए, शॉर्टकट मेथड में हमने डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन देख लिया, शॉर्टकट मेथड से ही हमने कंटिन्यू सीरीज का भी क्वेश्चन देख लिया। और मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 क्वेश्चन। अब इसमें सीरीज आपको हो सकता है कि एक में डायरेक्ट, एक में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दे दे और एक में हो सकता है कंटिन्यू का दे दे। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आपको है ना 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है, ओके, थैंक यू।